हार्ट बीट पहुंची 200 पार, जीत गई केकेआर, मिला सम्मान, वरुण चक्रवर्ती ने दिया बयान। आईपीएल 2023 के 47वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के जबड़े से जीत छीनने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का कहना है कि आखिरी ओवर में उनकी हार्ट बीट 200 के पार पहुंच गई थी। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल 2023 का 47वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में केकेआर के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने एसआरएच को जीत के लिए 172 रनों का टारगेट दिया, जिसे हैदराबाद की टीम बना नहीं पाई। केकेआर के लिए आखिरी ओवर में मिस्ट्री बॉलर वरुण चक्रवर्ती ने कमाल का प्रदर्शन किया। वरुण चक्रवर्ती की वजह से ही केकेआर की टीम मैच जीतने में सफल रही। कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को रोमांचक मुकाबले में 5 रनों से हरा दिया। इस मैच में रोमांच अपने चरम पर था। इस मैच में लेट ओवर ड्रामा देखने को मिला और फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। इसके साथ ही केकेआर ने हैदराबाद से पिछली हार का हिसाब भी चुकता कर लिया है। हैदराबाद को जीत के लिए आखिरी ओवर में 9 रन की जरूरत थी। केकेआर के कप्तान नीतीश राणा ने आखिरी ओवर वरुण चक्रवर्ती को दिया। स्ट्राइक पर अब्दुल समद थे। समद ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक भुवनेश्वर कुमार को दे दी। भूवे ने दूसरी गेंद पर लेग बाय से 1 रन दौड़ा। तीसरी गेंद पर समद आउट हो गए। चौथी गेंद पर मयंक मार्कंडे ने रन नहीं लिया। अब हैदराबाद को 2 गेंद पर 7 रन की दरकार थी। पांचवी गेंद पर मार्कंडे ने 1 रन लेकर स्ट्राइक फिर से भुवनेश्वर कुमार को दी। वरुण ने आखिरी गेंद 107 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी, जिस पर भूवी कोई रन नहीं दौड़ सके और हैदराबाद ये मुकाबला 5 रनों से गवा बैठा। जीत के बाद वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया, जिसके बाद उन्होंने कहा, आखिरी ओवर में मेरे दिल की धड़कन 200 को छू गई थी। मैं चाहता था कि बैटर मैदान के लंबे हिस्से में हिट करे। गेंद काफी स्लिप कर रही थी। मेरा सबसे अच्छा दाम लॉन्ग साइड था और यही मेरी एकमात्र उम्मीद थी। मैंने अपने पहले ओवर में 12 रन दिए थे। मार्करम ने मेरे उस ओवर में 2 चौके जड़े थे। पिछले साल मैं 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करता था। मैंने कई चीजें करने की कोशिश की। फिर लगा कि मुझे अपने रेवोल्यूशन पर काम करने की जरूरत है और मैंने उस पर काम किया। आपको बता दें, केकेआर की ये 10 मैचों में 4th जीत है और वो 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर है, जबकि हैदराबाद के 9 मैचों में 6 पॉइंट्स हैं और वो 9वें नंबर पर मौजूद है। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या केकेआर है तैयार? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।